नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने यह हमला राहुल गांधी के उस बयान के बाद किया है जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भारत में केरोसिन छिड़क कर सत्ता चलाने के गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का माहौल बना रही है। भारत में जिस तरीके की अहिंसाएं हो रही है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, वो बेहद ज्यादा गलत है। तुष्टिकरण की राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है और इन्हीं आरोपों का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब कभी भी खतरे में आती है तो उसे देश और संविधान खतरे में दिखने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। असलियत यह है कि कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी है तब तक खुद कांग्रेस पार्टी खतरे में रहेगी। कैसे? नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया, क्या प्रतिक्रिया दी, एक बार वो सुनिए। देखिए, विदेश में जाके देश को बदनाम करना ये उनका पहला शगल नहीं है। प्रारंभ से पूरी कांग्रेस इसी पद चिन्हों पर चलती है। जब कांग्रेस खतरे में होती है तो उन्हें संविधान खतरे में नजर आता है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देश को बदनाम करना छोड़ो। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, कटाक्ष करते हैं गृह मंत्री, और जब कभी भी कांग्रेस के नेताओं की बात आती है तो वो जमकर तीखे हमले भी करते हैं उन पर। दरअसल राहुल गांधी लंदन में थे। लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन हुआ था, उसमें राहुल गांधी को बुलाया गया था। राहुल गांधी ने अपनी बातें उसमें रखी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में सरकार चला रही है उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो पुराना भारत है उसे हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई को वो आगे तक ले जाएंगे।